हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द न्यू वीडियो वेल्युएशन ऑफ गुडविल की आज की इस वीडियो में हम मेथड डिस्कस करेंगे कि हम गुडविल की वैल्युशन कैसे करते हैं और आज की इस वीडियो में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मैथड को तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गुडविल को सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट वैल्यू यानी कि गुडविल जो होती है वो एक इंटेजिबल एसेट होती है जिसको हम सेल करके कुछ जो है वैल्यू हम रियलाइज कर सकते हैं तो गुडविल इज अ सेंस ऑफ अट्रेक्टिंग कस्टमर यानी कि गुडविल जो है कस्टमर को अट्रैक्टिंग करने के लिए एक सेंस का काम करती है गुडविल अराइज फ्रॉम रेपुटेशन कनेक्शन ऑफ बिजनेस एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू बिजनेस टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स जो गुडविल है वो एक फर्म की रेपुटेशन से और एक बिजनेस के कनेक्शन से जो है वो अराइज होती है और एक फर्म को एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के में जो है ये हेल्पफुल होती है कई बार कुछ एक ऐसी कंडीशन होती है जैसे कि बिजनेस को डिस्पोज ऑफ करना है एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स है या किसी कंपनी का मर्जर होना है या टेक ओवर होना है इन काफ़ी सिचुएशंस के अंदर हमें गुडविल की जो है वेल्यूशन करनी पड़ती है तो ये जो गुडविल है इसको वैल्युएशन करने के लिए कुछ एक मेथड्स होते हैं तो वो मेथड्स में से एक मेथड हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं गुडविल की वेल्युएशन के ये हम फाइव मेथड्स में फाइव मेथड से हम गुडविल को डिस्कस करते हैं तो इसमें आते हैं आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड परचेज कंसिडरेशन मेथड और एनवटी मेथड तो ये जो पांच मेथड हैं इनकी हेल्प से हम गुडविल की वैल्यूशन करते हैं तो आज वीडियो में हम सबसे पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम डिस्कस करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है दिस मेथड इज वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल ये जो मेथड है ये आपका काफी सिंपल है और नॉर्मली गुडविल की कैलकुलेशंस के लिए इस मेथड को जो है फॉलो किया जाता है तो इस मेथड में क्या होता है इन दिस मेथड गुडविल इज जनरली वैल्यूड ऑफ़ सर्टेन नंबर ऑफ परचेज ऑफ द एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर्स के जो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट है उसके बेसिस के हम एक कोई कर लेते हैं कि कितने साल के बेसिस के ऊपर हमने जो है गुडविल की कैल्कुलेशन करनी है तो जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल की कैल्कुलेशन करते हैं तो उसके कुछ स्टेप हैं तो स्टेप्स में आप इस तरीके से आप इसमें कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि फाइंड आउट द एवरेज बिजनेस प्रॉफिट यानी कि सबसे पहले हमने जो है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है इसके बाद फाइंड आउट द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज यानी कि कितने साल के बेसिस के ऊपर हमने गुडविल को परचेज करना है ये वाला जो ईयर है होते हैं ये आपके क्वेश्चंस में गिवन होते हैं तो इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ये आपके ऑलरेडी क्वेश्चंस में होते हैं इसके बाद जो आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि जो आपके क्वेश्चन में गिवन है और एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आप जो है वो कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो यहां पर आपको सिर्फ क्या चीज कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट की जो है वो हमने कैलकुलेशन करनी है अब ये एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो जो एवरेज प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करने के लिए गुडविल पर्पजेज के लिए हम कुछ एक एडजस्टमेंट्स करते हैं एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट्स होते हैं उन प्रॉफिट्स में हम जो है कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए हम कुछ एक आइटम्स जो है उसमें ऐड करते हैं कुछ लेस करते हैं तो ऐड करने वाले जो हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं सबसे पहले आता है अब नॉर्मल लॉस किसी भी पर्टिकुलर ईयर में अगर यदि किसी बिजनेस को कोई अब नॉर्मल लॉस होता है तो वो उस ईयर के प्रॉफिट में जुड़ जाएगा क्योंकि उससे उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है मान लीजिए किसी ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए कोई बिजनेस में जो है लॉकडाउन हो जाता है उस के कारण को मान लो का हो जाता है तो ये लॉस जो है एक अब नॉर्मल लॉस है क्योंकि हमेशा तो बिजनेस में लॉकडाउन नहीं रहेगा लेकिन उस साल का जो है प्रॉफिट फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से जो है वो कम हो जाता है तो इसलिए फिफ्टी थाउजेंड का प्रॉफिट जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा इसी तरीके से अब जब बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर यानी कुछ एक ऐसी इनकम हो जाती है बिज़नेस में जो कि फ्यूचर में अराइज हो सकती हैं तो ऐसी अगर यदि इनकम फ्यूचर में अराइज होने वाली है तो वो उसमें ऐड हो जाती हैं इसी तरीके से स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस जो लास्ट टाइम्स में कुछ एक्सपेंसेस जो बिजनेस के अंदर थे लेकिन वो फ्यूचर के अंदर वो एक्सपेंसेस नहीं होते हैं तो इस टाइप के अगर यदि एक्सपेंसेस हैं तो वो भी ऐड हो जाते हैं अब आते हैं इसमें हम लेस करने वाले जो आइटम्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं अब गेन एंड प्रॉफिट जिस तरीके से अबनॉर्मल लॉस को हम जो है ऐड करते हैं इसी तरीके से अबनॉर्मल गेन अगर यदि है या कोई प्रॉफिट्स हैं तो उसको हम लेस करते हैं मान लीजिए कोई स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट है किसी पर्टिकुलर ईयर में या कोई पर्टिकुलर ईयर में आप किसी एसेट को सेल कर देते हैं वहाँ से प्रॉफिट है तो उसको आप लेस कर देंगे इसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आती है उसको भी आप लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे डिविडेंड की इनकम आ गई इनकम टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस है जो कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है उस बिजनेस को खरीदने पर उस कंपनी को फ्यूचर में ऐसे एक्सपेंसिस बियर करने पड़ सकते हैं तो वो भी लेस हो जाते हैं एंड स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग यानी कुछ ऐसी इनकम थी जो पहले तो बिजनेस को हो रही थी अब बिजनेस बाद में जब बाद में फ्यूचर के अंदर जो ऐसी इनकम नहीं होगी तो ऐसी जो है अर्निंग्स अगर यदि कुछ है तो वो भी उसमें से लेस हो जाएगी इसके बाद हम कुछ एडजस्टमेंट भी करते हैं एडजस्टमेंट किसके रिगार्डिंग मैनेजरियल रेमोलेशन के रिगार्डिंग तो मैनेजरियल रेमोलेशन जो है वो एड भी हो सकता है और डिडक्ट भी हो सकता है तो डिपेंड करता है डिपेंड कैसे कि इफ़ द एस्टिमेटेड टू बी पेड इन फ्यूचर इज एक्सेस अगर यदि आप जो मैनेजर रेमोल्यूशन पेमेंट कर रहे हैं तो वो फ्यूचर के अंदर अगर यदि एक्सेस पेमेंट किया जाना है तो ऐसे कंडीशन में वो डिडक्ट हो जाएगा यानी कि पहले मैनेजर रेमोल्यूशन मान लीजिए कम था और फ्यूचर में ज्यादा है तो वो जो है डिडक्ट हो जाएगा प्रोफिट्स में से इसका वाइस वर्षा हो जाएगा इफ द एस्टिमेटेड टू बी पेड इन फ्यूचर इज लेस अगर यदि आप उसमें फ्यूचर में कम पेमेंट करना है तो वो जो है इसमें एड हो जाएगा इसी तरीके से इनकम टैक्स के रिगार्डिंग भी जो एडजस्टमेंट हम करते हैं जो भी एवरेज प्रॉफिट आता है उसमें जो भी आपके क्वेश्चन में इनकम टैक्स के रेट्स दे रखे हैं उस रेट से जो है इनकम टैक्स आप डिडक्ट करते हैं उसके बाद आप जो है एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं अब एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त आप एक और पॉइंट को भी ध्यान में रखते हैं अगर यदि मान लीजिए पास्ट ईयरस के प्रॉफिट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है मतलब कंटिन्यूअसली जो है वो राइज हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वेटेड एवरेज मेथड का यूज करते हैं अगर यदि वो इंक्रीज नहीं करते फ्लक्चुएशन हैं तो उसमें आप जो है सिंपल एवरेज का मेथड का जो है यूज करते हैं तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है वेटेड एवरेज में हम जो है प्रॉफिट्स को कुछ वेटेज देते हैं तो वेटेज का वेटेज देने का क्या क्राइटेरिया होता है जो रिसेंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उनको हम जो है ज़्यादा वेटेज देते हैं और फार ईयर के प्रॉफिट्स को जो है हम कम वेटेज देते हैं जैसे कि नाइनटीन ट्वेंटी uh, का अगर यदि प्रॉफिट है तो वो एटीन नाइनटीन के सिमिलर होगा लेकिन जो थर्टीन फोर्टीन में जो प्रॉफिट है तो उनमें आपका वेरिएशन मिलेगा तो इसलिए जो फार के प्रॉफिट्स हैं उसको हम कम वेटेज देते हैं और जो नियर के प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम ज़्यादा वेटेज देते हैं उसके बाद जो वेटेज होती है उसको हम प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल करने के बाद जो टोटल वेट है उससे हम डिवाइड करते हैं तो आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाता है तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं थर्टीन फोर्टीन में प्रॉफिट एक लाख रुपए का फोर्टीन फिफ्टीन में वन फोर्टी फिफ्टीन सिक्सटीन में टू लैख सेवनटीन एटीन में टू फिफ्टी एंड एटीन नाइनटीन में थ्री लैख तो प्रॉफिट जो है ये कंटिन्यूसली राइजिंग में आ रहा है तो इसके बाद जो है हम वेट दे रहे हैं इसमें वन टू थ्री फोर फाइव अब इसके बाद हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट आ जाएगा उसका हम एड add, एडिशन करेंगे तो ये थर्टी फोर लैख एटी थाउजेंड आएगा उसको हमने टोटल वेट जो है फिफ्टीन से डिवाइड कर दिया तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो थ्री सॉरी टू लैख थर्टी टू थाउजेंड रुपये कैलकुलेट होकर आ, हो आ जाता है तो इस तरीके से हम जो है एवरेज वेटेड प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ एक देखते हैं सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें मिस्टर एक्सपर्ची जी बिजनेस फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन टू वैल्यू एट थ्री इफ परचेज गुडविल जो है तीन साल के प्रोफिट के बेसिस के ऊपर लेना है हमने फोर ईयर का प्रॉफिट का हमने एवरेज लेना है ठीक है ये, एक तो पर आपके कैलकुलेशन में आई जाएगा थ्री ईयर्स से आपने मल्टीप्लाई करना है और आपने एवरेज प्रोफिट को कैल्कुलेट करना है तो सिक्सटीन सेवन से आपको प्रॉफिट गिवन है तो बाकी एडजस्टमेंट्स भी देखिए इसमें इसमें क्या कह रहा है कि भी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 एन एसेट वाज सोल्ड प्रॉफिट ऑफ ₹30000 तो 30000 के प्रॉफिट के ऊपर आपने एसेट सेल की है तो ये एक अब नॉर्मल गेन है एसेट सेल की है 2016 में तो यहाँ के प्रॉफिट्स में से आप 30000 को लेस कर देंगे इसके बाद सेकंड है मार्च 2017 में फर्म को जो है कुछ अब नॉर्मल लॉस हुआ है रुपीज का तो अब लॉस है तो लॉस है तो इसका मतलब ये रुपीस, 17 के प्रॉफिट में हो जाएंगे इसी तरीके से टू थाउजेंड के एटीन के प्रोफिट में जो है रुपीस का जो है स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट है तो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट भी जो है लेस हो जाएगा क्योंकि ये आपका रिकरिंग नेचर का नहीं है तो इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है तो ये फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज आप यहाँ पे लेस कर देंगे नेक्स्ट जो है फॉर्म ने जो है ट्वेंटी थाउजेंड का अब नॉर्मल गेन हुआ है इसके अलावा अब नॉर्मल गेन है तो आप इसको लेस कर देंगे ट्वेंटी थाउजेंड को अब नॉर्मल गेन है इसके बाद ये कह रहा है कि प्लांट जो है वो एक डिस्ट्रॉय हो जाता है एक्सीडेंट में जिससे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज आप प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं तो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज राइट ऑफ करते हैं प्लांट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये एक अब नॉर्मल लॉस हो गया तो इस कारण से आप यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड एड कर देंगे प्रॉफिट्स में तो ये देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें क्वेश्चन को सो आपने 190 में आपने लेस कर दिया सेल का ये 160 आ जाएगा आपने 40,000 का अब नॉर्मल लॉस एड कर दिया थे थ्री लाख रुपया आ जाएगा स्पेकुलेटिव प्रॉफिट को आपने लेस कर दिया टू थर्टी आ जाएगा और 320 में ट्वेंटी थाउजेंड रूपी लेस कर दी अब नॉर्मल गेन के और 50,000 थाउजेंड एड कर दिए आ जाएगा आपका 350 तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आपका टेन लैख फोर्टी कैलकुलेट होकर आता है अब इसके बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट टेन फोर्टी है नंबर ऑफ ईयर फोर है तो एवरेज प्रॉफिट आपने डिवाइड कर दिया इसको तो टू लैख सिक्सेंड रुपीज ये आ जाएगा और आपने इयर्स के के बेसिस ऊपर इसको कैलकुलेट करना है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वैल्यू ऑफ गुडविल है सेवन लैख एटी थाउजेंड रुपीज ये आ जाएगी तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है अब एक सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं सो मिस्टर एक्स ने एक बिजनेस परचेज किया फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन को और तो थ्री इयर्स के बेसिस के ऊपर ही आपने गुडविल को परचेज करना है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लेंगे फॉर फो लास्ट फोर ईयर्स का तो देखिए फिफ्टीन सिक्सटीन का प्रॉफिट प्रॉफिटीन सेवनटीन एटीन नाइन थाउजेंड रुपीज है सो इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में है ड्यूरिंग टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाई क्लोजिंग स्टॉक वाजर वैल्यूड बाई टेन थाउजेंड रुपीज तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया गया है तो क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कि क्रेडिट साइड की आइटम होती है तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्युएशन करते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है तो इसलिए ये टेन थाउजेंड रुपीज फिफ्टीन सिक्सटीन के प्रॉफिट्स में से जो है वो लेस हो जाएंगे इसके बाद जो है इन दिसंबर सेवनटीन में क्या है फर्म को जो है एट थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट हुआ है स्पेकुलेशन प्रॉफिट तो सेवनटीन में जो है स्पेकुलेशन प्रॉफिट हुआ है तो आप इसको एट थाउजेंड रुपीज को आप इसमें लेस कर देंगे ठीक है इसके बाद जो है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेज ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड शुड बी मेड फॉर द दर्पज ऑफ फूड वील वेल्यूशन तो फाइव थाउजेंड मैनेजमेंट की कॉस्ट कवर करनी है तो इसमें जो है इसका मतलब क्या है कि आपको ये फाइव थाउजेंड रुपीज फ्यूचर में आपको ये पेमेंट ए, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो एक फॉर्म को बियर करनी पड़ेगी तो इस टाइप के अगर यदि एक्सपेंसिस होते हैं तो थ्रू आउट जो है चाहे तो आप उसको एवरेज प्रॉफिट में से घटा दो चाहे आप हर साल के प्रॉफिट में से आप इसको फाइव थाउजेंड रुपीज को आप लेस कर दो क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट से रिलेट करती है क्योंकि कि किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए ये एक्सपेंसिज नहीं है या ये जो आइटम्स है ये रिलेट नहीं करती किसी पर्टिकुलर ईयर से तो ये एवरेज प्रॉफिट से रिलेट करती है तो इसलिए या तो आप इसको सारे के सारे प्रॉफिट्स में से घटाइए या फिर इसको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके उस एवरेज प्रॉफिट में से घटाइए आंसर जो है वो सेम रहेगा सो so, इसमें आप कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे सिक्सटी थाउजेंड था आपने टेन थाउजेंड रुपीज और ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया और फाइव थाउजेंड रुपीज आपने मैनेजमेंट कॉस्ट के लेस कर दिया तो आपने हर साल के प्रोफिट में से जो है लेस किए फाइव थाउजेंड और ये जो 17, में का स्पेकुलेशन प्रॉफिट था वो लेस किया और एटीन नाइनटीन में फाइव थाउजेंड मैनेजमेंट कॉस्ट लेस की तो ये आपके प्रॉफिट्स आ जाएंगे तो प्रॉफिट्स आप देखेंगे कि हर साल जो है वो इंक्रीजिंग हो रहे हैं हर साल इंक्रीज हो रहे हैं तो इसलिए आपने इसने वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया तो वन टू थ्री फोर आपने वेट दिया है इसको प्रोडक्ट किया इसका प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई वेट तो ये जो आ जाता है आपका सेवन लैख आप इसको कर देंगे तो सेवन थाउ टू हंड्रेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा अब जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ ईयर परचेस जो कि थ्री है आपकी तो जो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी टू लैख थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपी कैलकुलेट होकर आ जाती है तो इस तरीके से आपने जो है कैलकुलेशंस करनी है दोनों केसेस के अंदर तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक जो है कवर हो गया होगा अगर यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू सो मच